रात में कुछ अलग ही मज़ा है इस प्लेस का। और ये रात को 9 या 9:30 बजे तक ओपन रहता है, तो आप डेफिनेटली नाइट व्यू के लिए और नाइट लाइट के लिए यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मतलब जो भी कोई आता है यहाँ पे वो गाइड्स के साथ बहुत ही रूड बिहेवियर। कैसा लगा तुझे यहाँ पे ऊपर आके? अभी तो मुझे तेरा हाथ काटने का मन कर रहा है। क्यों? सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज डे 3 इन जयपुर और अभी बज रहे हैं 3:45 और हमारा जो लास्ट फोर्ट है देखने का बाकी रह गया नागढ़ फोर्ट, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। 5 बजे एंट्री वो बंद हो जाती है और यहाँ से कुछ 18-20 मिनट का रास्ता है 5 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होटल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नागढ़ फोर्ट, वहाँ के एंट्री टिकट और क्या सब है वो वहाँ जाके बताते हैं। फाइनली पहुंच गए नागढ़ फोर्ट और बाइक का जो आने का रास्ता अंदर सिटी से बहुत ही भयानक है। मतलब बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है, तो अगर बाइक से आ रहे हो तो उसी रास्ते से आना जो आपको सिटी के अंदर से आएगा। और उसी के बीच में करण मुझे बोल रहा है शूट कर। मैंने बोला देखो जान प्यारी नहीं है क्या अपनी तेरे को? और थोड़ा सा वीडियो शूट किया मैं, आपने देखा होगा, मैंने शायद डाल दिया, अच्छा आएगा। अभी चलते अंदर क्योंकि बारिश होने वाले सा लग रहा है, तो बारिश होने से पहले अंदर चलते और सिटी का जो अमेजिंग व्यू आ रहा है ना वो आपको दिखा दें अंदर से। हम लोग आए ऊपर व्यू पॉइंट एंड जस्ट लुक एट द क्राउड, कितना क्राउड है क्योंकि आज फ्री एंट्री है, वर्ल्ड ट्रैवल डे है इसीलिए। एंड देखिए जरा क्राउड, मतलब यहाँ ऊपर खड़े रहने की जगह नहीं है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ कैसा। दुख है जीवन में, लोग जाते हटते ही नहीं है, चिपके हुए एक मक्खी की तरह। Few moments later. जैसे वीडियो शूट करने के लिए बाहर गए वापस बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी अंदर कैफे में आके बैठे हैं, मैगी ऑर्डर की है। बारिश अगर हो जाएगी तो वापस वहाँ पे ऊपर जाके हम लोग शूट करेंगे फिर। मेरे GoPro पे वो माइक पर वो लगा तो इसलिए वाटर प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने GoPro अंदर रख दिया। अभी तो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बहुत ही मस्त वेदर है, हमने देखा था कि वहाँ से फोरकास्ट की सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन बारिश होगी, बट फाइनली आज बारिश हो रही है। और लेट मी शो यू हम लोग कहाँ बैठे अभी खाने के लिए। तो अभी हम लोग ये कैफ़े के पास थे और कैफ़े से यहाँ पे ऊपर सीढ़ी आया, सीढ़िया से ऊपर आते ही दिस इज़ द व्यू दैट यू गेट। अभी नाश्ता करके वापस आ रहे हैं कैंटीन से नीचे और पीछे पैलेस है, देखते हैं। बोल रहे हैं 9:30 बजे तक एंट्री ओपन रहती है, तो अभी तो सोच रहे हैं कि शायद जाएंगे अंदर, देखते हैं। अभी हम लोग 100 रुपये में गाइड रखने वाले थे, पर जैसे कि हर गाइड के साथ हम लोग शूट करते हैं, ऐसे शूट करने के लिए बात की तो बोलते हैं आप गाइड के साथ शूट नहीं कर सकते, इसीलिए फिर गाइड को मना कर दिया। तो हम ऐसे ही आपको पूरा व्यू दे रहे हैं पूरा व्यू वीडियो में। आई डोंट नो, मुझे इतनी हिस्ट्री मालूम नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा होगा वीडियो में बता देंगे, अदरवाइज जस्ट एन्जॉय द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ दिस फोर्ट। Thank you.
ऊपर ही है और यहाँ से जो सिटी का व्यू आ रहा है बहुत ही अमेजिंग है। अभी तो सिर्फ 6 बजे है, प्लान तो प्रॉपर ऐसा ही है कि रात को जब पूरी लाइटिंग होगी सिटी की वो देख के जाएंगे। तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो में लाइट जो है पूरे जयपुर सिटी की वो यहाँ से हम दिखाएंगे, जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अभी देखिए कितना ऑसम वेदर हो रहा है। मैंने ही सजेस्ट किया था कि रात में पर आओ रोड थोड़ी बाइक हमें चलानी है और रोड बहुत ही मतलब शार्प टर्न्स एंड ट्विस्ट वाली है, तो अगर आप बाइक लेके आओ तो डेफिनेटली थोड़ी प्रैक्टिस करके आना बाइक चलाने की। अगर अंजलि की तरह जुम्मा टू जुम्मा बाइक चलाते हो, बोला था कि मैं चला लेती हूँ बाइक, फिर इसने मना कर दिया। एक्चुअली मैं मना कर दिया, तो जुम्मे से जुम्मे बाइक चलाती है, बीच में कहीं से डायरेक्ट नीचे जयपुर लुढ़क गए तो क्या, फिर वहाँ खड्डा बनेगा हम दोनों के नाम का और एक और जगह बन जाएगी जयपुर में घूमने के लिए, हम यादगार हो जाएंगे। यादगार करण और अंजलि प्रेम के दो जोड़े। तो अभी बज रहे 6:15 और हम लोगों ने डिसाइड किया कि नीचे चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो बाइक लेके जाने में हमें थोड़ा सा डर लग रहा है। सो निकलते क्योंकि लाइट्स तो ऑन हो गई हैं, तो नीचे उतरते उतरते जो सिटी की लाइट्स है वो आपको डेफिनेटली व्यू दे देंगे। अभी तो यहाँ से जितना हो सका है वो सारे व्यूज़ मैंने कैप्चर कर लिया, आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। नाइट में यहाँ की लाइटिंग बहुत ही मस्त है, पूरा पूरा जो फोर्ट है मस्त लाइट से सजाया हुआ है, एज यू कैन सी। रात में कुछ अलग ही मज़ा है इस प्लेस का और ये रात को 9 या 9:30 बजे तक ओपन रहता है, तो आप डेफिनेटली नाइट व्यू के लिए और नाइट लाइट के लिए यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाइक का आखिरी दिन है, 11 बजे बाइक देनी है। क्या आखिरी दिन है? बाइक का आखिरी दिन हमारी। इट वाज सो एक्साइटिंग टू ड्राइव बाइक इन जयपुर। यस वाज इट? सॉरी, टू राइड अ बाइक इन जयपुर। वाज इट? ये क्वेश्चन का आंसर आपको एक अलग से वीडियो में मिलेगा, हमारा फर्स्ट स्टेशन वाला वीडियो। सो एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है कि मतलब जो भी कोई आता है यहाँ पे वो गाइड्स के साथ बहुत ही रूड बिहेवियर है। गाइड्स का काम क्या है, मतलब आपको हिस्ट्री बताना है इसका और वॉक थ्रू कैसे करना है वो सब बताना, लेकिन लोग आंसर भी नहीं देते हैं। और मतलब अगर वो पूछ रहा है कि आपको गाइड करना है तो यू कैन से नो कि नहीं करना है, ऐसे मतलब बहुत ही वियर्ड बिहेवियर है लोगों का यहाँ पर। कल हमारा लास्ट डे जयपुर में, तो क्या प्लान करेंगे अभी कुछ पता नहीं, हमारी 2 बजे ट्रेन है तो उससे पहले हमारे पास 3-4 घंटे घूमने के लिए। कहाँ जाना है? मुझे मार्केट एक्सप्लोर करना है। तुझे आशु कहाँ जाना है? कहीं नहीं, घर मुझे घर जाना है। आज इतना टायर हो चुका है क्योंकि जब निकलने वाले थे वहाँ से तभी से बारिश शुरू हो गई। नहीं एक्चुअली क्या है, पिंक सिटी में ट्रैफिक भी बहुत रहता है, ऊपर से टूरिज्म डे है ना आज, भयंकर ट्रैफिक है, टिकट फ्री है ना, तो इतनी भीड़ है। बाप रे, वो वहाँ पे गाइड भी बोल रहा था, कहाँ पे गए थे हम लोग, नागट फोर्ट में गाइड भी बोल रहा था, बोलते यहाँ पे कोई नहीं आता मंडे ट्यूजडे पर, आज इतनी सारी भीड़ है क्योंकि फ्री एंट्री इसलिए।
हमें मजा आ गया। दो चीजें ध्यान में रखे, पहले तो 10-15 किलोमीटर वॉक करना स्टार्ट कर दे यहाँ आने से पहले, और देखिए टूरिज्म डे ना हो कोई भी मतलब पब्लिक हॉलीडे टाइप ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। आज का हमारा बाइक था वो 11 बजे में देना है, तो होटल जाके थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके हम लोग बाइक देने चले जाएंगे। बाइक का कैसा एक्सपीरियंस रहा उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर जयपुर की ये सीरीज और यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया दें प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो। मुझे नहीं पता मैं कौन सी सीरीज में कैसे वीडियो डालूंगा जयपुर का, पर अगर कोई वीडियो बाकी है तो आपको जरूर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो बाय।